मैंने खोया ये अपनी हर प्यारी चीज़ को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। क्या बात है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन एवर यू वॉचिंग द वीडियो। इट हैज़ डेफिनेटली बीन अ वाइल दैट आई हैवन पोस्टेड एनीथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज सैटरडे है, आई थॉट इससे अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं कुछ बनाने का। तो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू अ प्लेस जहाँ पर मैं बचपन से ही जाता आया हूँ, एंड इट हैज़ नॉट ओनली बीन मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, सब लोग वहाँ पे जाते हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल डेस्टिनेशन, वेरी पीसफुल प्लेस। एक गांव है, खेड़ शिवापुर नाम है उस गांव का। वहाँ पे एक दरगाह है, हज़रत कमर अली दरवेश की मज़ार है वहाँ पे। द वेरी बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेस इज़ यहाँ पे सिंस इट्स अ दरगाह, इट्स नॉट ओनली मुस्लिम्स हु गो देयर। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर रिलीजन के, हर कास्ट के, यू नो, सभी लोग आते हैं वहाँ पे टू वर्शिप इट। एंड इट इज़ रियली रियली वेरी पीसफुल टू गो देयर एंड जस्ट टू सिट बिसाइड दैट दरगाह। ट्रस्ट मी, द प्लेस इज़ अमेजिंग। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो सफ़र में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस वन मोर थिंग अबाउट दैट प्लेस और दैट विलेज, जस्ट नियर बाय वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो है, जिसका नाम है शेतकरी वाड़ा। वी गोना गो देयर एज वेल। वेरी ऑथेंटिक ऑर्गेनिक विलेज वाला फील है वहाँ पे। सो या आई थिंक यू नो आई बीन वेटिंग टू डू दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। जस्ट बिफोर दैट, सिंस यू नो इट्स ऑलमोस्ट 3:30, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द किचन कुकिंग। मम्मी क्या बनाए ले, आमलेट है क्या ऑमलेट है, बोलो ना। ओए ए बाबा, ये गुस्से में दिख रही बाबू। दोस्तों ये है हमारा आमलेट। ऑमलेट बोलने वाले अनपढ़ है, आमलेट सही है। थैंक यू। ग्रेट गाइस, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द फूड। आई थिंक बिफोर इट गेट्स डार्क, यहाँ से जल्दी निकलना है। वहाँ पे हो सके तो मगरिब की नमाज भी वहीं पे पढ़ लेंगे। और वो जो प्लेस है शेतकरी वाड़ा, वो एक्चुअली उजाले में ही अच्छी लगती है। मतलब अंधेरे में मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, बट उजाले में वो सारी चीज़ों का फोटो निकालने आएगा ना, तो इसके लिए। All right guys, so we are all set, let's get going. It is what it is, 4:00 right now. Dekhte hain kitne baje tak pahunchte hain, so let's go. Bike, that's the wrong number. Music. Dekho jaane kya hua, मिलके अपना सा तू लगा, कैसे मैं करूं बयां तुमसे, ये जुनून है या गुमान, ऐसे मुझे तुम मिले, तुम मिले जैसे कोई दिन खिले, दिन खिले चले, चाहे जो भी दिल करे, दिल करे। जिस राह भी जाऊं, तुझको ही जाऊं, हमराह अब से मेरा तू, हमराह मैं भी तेरा हूं। जिस
राह चसरा भी जाऊं तुझको ही जाऊं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूं गाइस ऑलराइट इट्स रोलिंग दिस इज एग्जैक्टली द व्यू दैट आई वांटेड टू शो यू ऑल यहाँ का ये व्यू की बात ही अलग है जस्ट लुक एट द व्यू यहाँ पीपल डू कम हियर फोटो खिंचाने के लिए लेट्स जस्ट टेक अ फुल व्यू ऑफ दिस प्लेस माशाल्लाह सुभान अल्लाह एकदम सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आ रहा है पीछे से भी सेंड करो ये बाबा भाई हां मारो सो गाइज ऑन द वे रसूल के उम्मत ही मिले हमको माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की इन्होंने आपका नाम क्या है अस्सलाम वालेकुम सबको वालेकुम सलाम सबको सलाम सिराज मोहम्मद सिराज मोहम्मद राकेश सैयद बाबा वल सैयद ओके आ जाओ आप भी आ जाओ हम आपका नाम क्या हाफिज अब्दुल गनी साहब अच्छा अच्छा यहाँ से शायद अंधेरा आ रहा रहेगा आप ये तरफ आ जाओ यहाँ से यहाँ पे आ जाओ ये सही है इनका नाम लेना हाफिज अशफाक साहब माशाल्लाह यहाँ पे फोटोज निकाल रहे थे ये बहुत खुश लग रहे थे स्पेशली आपका नाम बोलिए मोहम्मद सिराज सिराज भाई बहुत बहुत मतलब दुआ तो इतनी क्या बोलते हैं इतनी खुशी से दे रहे थे तो मैंने सोचा लंबी चौड़ी किफायतन वो चीज वतन वो चौड़ी यतन दुआ शोएब भाई के लिए दी खुसूसी सफर में जा रहे थे शोएब भाई से मुलाकात हुई और ये हमारे ऐसे साथी हो गए इनको भूलना बिल्कुल मुश्किल हो गया और बढ़िया सफ़र रहा इनके साथ बहुत इन्होंने एजाज़ और इकराम किया हमारा सही है इनके चैनल हाँ वो तो सब्सक्राइब शोएब सैयद के नाम तुम अभी कहाँ गए थे आप लोग सब कैसा था सफ़र कहाँ से आए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मेरे एरिया के ही है मैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ता हूँ गरीब नमाज बस वहीं के है और एक तो मेरे ख्याल से सातों नगर में आप रहते हो आप नहीं सैयद नगर में रहते हो राइट सैयद नगर मतलब घर के पास के ही लोग हैं तो मैं इनसे ही जानना चाहता था मैं तो यहाँ पे बचपन से आता हूँ मतलब दरगाह में जाता हूँ मैं बस यहाँ पे जो मिलते हैं लोग अपने लोग मिले हैं तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ सफ़र कैसा था इनका तो बताइए सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा अल्हम्दुलिल्लाह शिवा को दरगाह का हम लोग गए दरगाह पर माशाल्लाह वहाँ पर चने और पोपड़ भी खाए और वहाँ पर दरगाह का दरूद वगैरह पढ़े बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत खूबसूरत मंजर था और नज़ारा तो माशाल्लाह था कोई अच्छा ही नज़ारा आप जहाँ पे वहाँ पे नजर आते हैं ये सब बहुत बढ़िया है आप सब शेर शायर एक शेर हो जाए पारसी बोलो पारसी में फारसी इरशाद वाह 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 मन तू शुदम तू मन शुदि मन तन शुदम तू जा शुदि ता कस्मो गयत बाद अजी मन दी गरम तू दी गरी एक शायर अपने महबूबा को कहता है कि मन तू शुदम तू मन शुदि कि मैं तू हो गया और तू मैं हो गई मन तन शुदम तू जान शुदि मैं जिस्म हो गया और तू उसके अंदर जो है तो जान पैदा हो गई ताकि कोई शख्स उसके बाद ये ना कहे कि मन दी गरम तू दी गरी कि तू अलग है और मैं अलग हूँ बहुत डीप था ये बहुत ज्यादा डीप था गहराई में जाने वाला गहराई था बहुत गहरा था अच्छा सिराज भाई मेरे ख्याल से आपके ग्रुप के कैसे मेंबर हैं जो हमेशा हम एंजॉय कर रहे हैं उनकी बदौलत हां एक एंजॉयमेंट का माहौल लेके चल रहे हैं आप सारे साहब अभी फिर क्या रवाना हो गया आप कुछ है रस्ते में कुछ कहीं रुकने का प्लान है अरे खाना खाने का ये कहां पे रुकेंगे यहां पे अस्पताल की तरफ ऐसा दावत है कहीं तो रुक जाएंगे होटल वगैरह में दो नंबर
और आई टेक टू यवी को मुनावर फारूकी यवी को एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगे तो सुनाऊं। कई रात गुजारी है इस अंधेरे में क्या तुम थोड़ा सा नूर ले आओगे? क्या बात, मेरे तकिए गीले हैं आंसुओं से, क्या तुम मुझे अपनी गोद में सुलाओगे? मैंने खोया ये अपनी हर प्यारी चीज़ को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊँगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। क्या बात है, माशाल्लाह। वॉइस माइक वो अभी तो फिलहाल थोड़ा बजट अपना ना हुआ है, बट धीरे धीरे इंशाल्लाह माइक भी ले लेंगे। I clicked a picture with the squad and exchanged my number with Siraj. यही तो बोल रहा था मैं, सफ़र की खास बात यही है कि जो सफ़र में लोग मिलते हैं, when you talk with them, और जब आपको लोग आप ही के एरिया के मिलते हैं, and you saw that Siraj, such a lovely guy, मतलब इतना enjoy, माहौल को हमेशा ले कर चल रहा है वो, लोग कभी बोर नहीं होंगे उनके साथ के, जो लोग थे वो कभी बोर नहीं होंगे वो। बट या अगेन विद द व्यू, Let's go ahead and see how the other guys. Thank you. So at last I reach there. यहाँ से main entrance है शिवापुर का, अंदर रास्ता है दरगाह की तरफ जाने के लिए. So let's get going. Alright guys, so we have finally arrived at the dargah. This is basically, I've parked my bike over here. So abhi hum yahan se lene wale hai chadar chadhane ke liye. Assalamu alaikum. Kaisi badi? Nahi badi mat dena zyada. Kaisi dubbe ko? Nahi chota apna iska hi de do. Ye do 250 wali. Ha 250 wali de do. अपने पास गूगल पे चलता है क्या? हाँ चलता है। हाँ फुल कर दूँ ना? हाँ नहीं नहीं बस, मतलब उसमें 250 में सिर्फ वो आती है क्या? हाँ 300 में ये सब पूरा, मतलब 300 में चादर और ये। हाँ सब। अच्छा उसको थोड़ा कम करो ना। 300 300 300। हाँ 300 ही रहेगा। हाँ शूटिंग कर रही है। हाँ एक यूट्यूब चैनल है मेरा छोटा सा। हाँ हाजी मलंग फ्लावर शॉप। चल हाँ छः बजे लोबान चालू है, लोबान लेके चले जा रहा हूँ। ठीक सलाम अलैकुम। ये नमाज की टोपी दो यार, है ना भैया? गूगल पे चलता अपने पास जी, है ना? व्हाइट चाहिए क्या? व्हाइट नहीं, इसमें फुल व्हाइट है, बताओ।
नहीं ब्लैक में है क्या? ब्लैक में ये नहीं, ब्लैक आई थिंक नगाड़ा है स्टार्टेड. सो गाइज़ यहाँ पे ये जो लेडी है इनको कुछ असरात हुए हैं, तो वो जो आदमी है वो उनको यहाँ पे ठीक कराने के लिए लाए हैं शायद से. सो गाइज़ हज़रत कमर अली दरवेश जो थे उनका इंतकाल काफ़ी यंग एज में हुआ था. वो तकरीबन 18 साल के थे, 18 ईयर्स ओल्ड ही वॉज एंड ही वॉज़ अनमैरिड. चलो खैर अभी मगरिब की नमाज़ का वक्त हो रहा है. यहीं पे दरगाह के पास में मस्जिद है, दरगाह की है हज़रत कमर अली दरवेश मस्जिद है. तो मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं. रात में दरगाह कुछ इस तरीके से दिखती है से माशाल्लाह अमेजिंग. हेलो पीपल, नमाज़ हो गई अपनी, दरगाह के पास में बैठा था थोड़ा. यहाँ पे ऐसे बस चुपचाप बैठना, व्हेन यू एक्चुअली फील कनेक्टेड, That's definitely the most peaceful thing. So I just thought to sit here for some time. हज़रत एक सूफ़ी थे और उनके नाम का मतलब था विजडम. यहाँ के लोग बोलते हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे. सो गाइज यू माइट बी वंडरिंग वॉट इज़ दिस. आपको याद है एक बड़ा पत्थर रखा गया था दरगाह के सामने? सो ये उसी पत्थर की कहानी है गाइज. हज़रत इस पत्थर को उठाने की कोशिश करते थे. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड और ही वॉज नॉट इन टू ऑल ऑफ दिस. सो वो जब भी उठाने की कोशिश करते थे ही यूज़ टू फेल. सो तब से यहाँ पे दो बड़े पत्थर रखे गए थे, अभी उसमें से एक ही बचा है. तो यहाँ पे लोग आके उस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं. देर हैज़ बीन अ पैटर्न वेयर 11 पीपल कम टुगेदर और अपनी इंडेक्स फिंगर से वो उठाते हैं ऊपर और एक ही आवाज़ में पूरे 11 लोग कमर अली दरवेश पुकारते हैं. एक नंबर फाइनली देखा कमर अली दरवेश, दैट्स हाउ दे लिफ्ट द स्टोन. ऑलराइट गाइस, सो वी आर डन, लेट्स कलेक्ट आवर शूज. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि यहाँ के पापड़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है. जितनी ज़्यादा जितना दरगाह फेमस है उतना ही पापड़ भी है. कितना गूगल पे है क्या है जाओ का तो नहीं देगा बल्टी. ऑलराइट गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम केट श्योपुर दरगाह. वी विल बी गोइंग टू शेतकरीवाड़ा एज प्रॉमिस्ड. मैंने जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा दरगाह दिखाने की कोशिश की है, बट ज़्यादा भी अंदर मज़ार के अंदर वीडियो निकालने मुझे तो नहीं पसंद है.
बट होप के आई हैव शोन इट एज मच एज आई कैन एंड नाउ लेट्स गेट टू आवर सेकेंड प्लेस विच इज शेतकरी वाड़ा लेट्स गो ओवर देयर एंड सी हाउ इट गोज यार इज द लोगो फॉर शेतकरी वाड़ा लेट्स गो देयर हाय गाइस फाइनली हम लोग शेतकरी वाड़ा पहुंच गए हैं तो यहाँ की एक खास बात ऐसी है कि आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको सडनली यू नो महाराष्ट्र मराठी द कल्चर दैट यू हैव ग्रोन अप इन यू विल जस्ट फील वेरी प्राउड ऑफ इट यू नो बहुत अच्छा वाइब आई विल जस्ट शो यू द मेन एंट्रेंस होल्ड ऑन यू सी दिस और ये देखो यहाँ पे I so want to take my family here. देख रहे हो बगा यू नो यू जस्ट फील लाइक स्पीकिंग इन मराठी आई ट्राई टू इवन दो आई एम नॉट दैट फ्लुएंट बट या माझी आई म्हणते की माझी खूप गावंढळ मराठी आहे गावंढळ लुकिंग ऍट दिस यू नो यू गेट द वाइब हियर यू ऍक्च्युअली गेट द वाइब हियर लुक हियर घर में बच्चे हैं कितनी मजा करेंगे यहाँ पे साथीला तुरा उभा मी वाट चालतो खडतर वांगडी असो वा दूर आई विल शो यू द मेन थिंग यहाँ से अंदर है सो दे हैव एक्चुअली मेड इट quite interesting for the people jinko table pe baithna hai they've made it over there and for a fact they also have jinko niche baithna pasand hai they have also made it like that you see this so this is basically the cash counter and obviously jinko ya pray karna hai This is basically the kitchen area over there. You remember I told you जहाँ पे you know I'll just remove my shoes here. जिनको नीचे बैठ के खाना पसंद है उनके लिए specially this is the place. And I think hold on I'll just show you. Isn't that great, guys? So I would prefer sitting here and having food. But yeah, this is basically how they have made it for the ones who want to sit down and have food, just like they're having food in the house. This is the place. जिनको table पे खाना पसंद है, there it is. And you, yeah, can you hear the music? Marathi songs that they play all the time. मशाल वगैरह बनवली इथं आई वडिलांना जर घेऊन यायचं असेल असं होमली फील द्यायचं असेल दिस इज द प्लेस अमेझिंग प्लेस यु नो फॉर द किड्स इन द हाऊस यहाँ पे उन्होंने खेलने के लिए भी बनाया है सो इफ यू आर थिंकिंग दैट यू नो व्हेन यू आर हैविंग फूड पीसफुली योर किड्स वोंट अलाउ यू और योर किड्स विल एक्चुअली डिस्टर्ब यू यू कैन जस्ट लीव देम हियर ओके गौरव भोसले शोएब ओके नमस्ते सर सो ही इज एक्चुअली गिविंग अस अ टूर ऑफ द होटल ओके हाँ का है भाई यहाँ पार्किंग एरिया है सो यहाँ पे यांनी काय केलं असं कॉटेज टाइप नाही का बसायसाठी समवन हू वॉन्ट्स अ लिटल बिट ऑफ प्रायव्हसी सो दिस इज वेअर दे कॅन सेट आय एम नॉट रिली शुअर अबाउट द अल्कोहोल इफ दे अलाउड प्रॉपर ऑथेंटिक काय भाकरी बनवत आहे मावशी
अरे वाह, कशाची आहे भाकरी? ज्वारी बाजरी? ज्वारी. ओके. गौरव हॅज बीन व्हेरी हेल्पफुल. ही इज ॲक्च्युली शोईंग मी हाऊ दे मेक इट. प्रॉपर होममेड फूड. हा काय? अळणी पाणी. हे बनतंय अळणी सूप. आणि हा काय? रस्सा. चिकनचा रस्सा. ओके. प्रॉपर चुलीवरचा. ग्रेट ग्रेट. सो एक यहाँ की जो स्पेशल डिश है जिसको बोलते हैं चिकन रान. तो हम लोग अभी जस्ट वो देखने वाले कि वो किस तरीके से वो लोग अभी वहाँ से निकाल रहे हैं. उस पर फ्लेम्स भी रहने वाले. सो लेट्स गो अहेड एंड गेट दैट चेक. या ग्रेट. हाय गाईज, आपल्यासोबत शेतकरी वाड्याचे ओनर आहेत गौरव भोसले. अँड सो तुमच्यासोबत जर थोडंसं गोष्टी तुमचे जाणून घ्यायचे होते हॉटेलबद्दल, तर सगळ्यात आधी तुम्ही हे सांगा की आपलं हॉटेल सुरू कधी झालं? हॉटेल आपलं 26 मार्च 2022 सुरू झालं. तुम्ही याला 7 ते 8 महिने झाले. राईट. आणि सर, तुमच्या या हॉटेलची स्पेशालिटी काय आहे जे तुम्हाला यु नो असं वाटतं की इथं गेस्ट आलेच पाहिजे आणि हे गोष्टी त्यांनी एक्सपिरियन्स केली पाहिजे? आता हे हॉटेल म्हणजे शेतकरी वाडा, म्हणजे आपण सगळं शेतकरीचं गावठी पॅटर्न दाखवलेलं आहे. शेतकरी वाडा म्हणजे कसं, सगळं चुलीवरचं जेवण. चुलीवरचं जेवण म्हटलं की चुलीवरची भाकरी आली, चुलीवरचा रस्सा आला, चुलीवरतीच ते मटण शिजतं, त्याचं दाणी पाणी काढलं जातं. असं बोलून आपण गेस्टपर्यंत हे सर्व करतो. सर गाईज, यु नो जे आहेत म्हणजे ऑब्व्हियसली आपले वडील किंवा फॅमिली, अंकल, यु नो पीपल हू हॅव ॲक्च्युली कम फ्रॉम द विलेज साईड, दे ऑल एन्जॉय द लाईफस्टाईल दॅट वी आर फॉलोईंग युअर. बट ॲट द सेम टाईम समवेअर डाऊन द लाईन यु नो त्यांना असं वाटतं की यार ही गोष्ट वेगळी होती, त्या चुलीवरचं जेवण वेगळं होतं. सो इफ यू हॅव युअर फॅमिली मेंबर्स लाईक दॅट थिंकिंग ऑर क्रिविंग अबाउट इट, इथे आणा त्यांना, शेतकरी वाड्याला आणा. यू आर सीइंग हाऊ कम्फर्टेबली वी हॅव सॅट हियर. एकदम मतलब असं घर जैसा फील है. चुलीवरचं जेवण, चुलीवरची भाकरी. आणि सर आता तुम्हाला एक दोन इजी क्वेश्चन्स आहेत. मेन कोर्ससाठी दोन मेन कोर्स नॉन व्हेज डिशेस आणि दोन मेन कोर्स व्हेज डिशेस. व्हेज डिश म्हटलं की भरलेलं वांग, काळ मसाल्यातलं वांग. माय रेकमेंडेशन वॉट आय हॅव ट्राईड हियर बीइंग अ नॉन व्हेजिटेरियन लवर, बट वन ऑफ माय फ्रेंड ॲक्च्युली टूक मी हियर अँड वॉट आय ट्राईड इज कोथिंबीर के वडे, विच आय ऑलरेडी हॅव इट ओवर. आय जस्ट शो यू. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट कोथिंबीर के वडे दॅट आय हॅव एवर ट्राईड. इट लिटरली मेल्ट्स इन युअर माउथ. आय एम नॉट गोना ईट इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑब्व्हियसली. आय एम जस्ट गोना डू दॅट वन्स द व्हिडिओ इज डन. तर हे झाले दोन व्हेजिटेरियनसाठी. आणि दोन नॉन व्हेजिटेरियनसाठी मेन कोर्स डिशेस सांगा. बरोबर. मेन कोर्समध्ये नॉन व्हेज मध्ये मटन भाकरी, मटन थाळी. मटन भाकरी, मटन थाळी. मटन थाळी. अँड टू बी व्हेरी फ्रँक, हे म्हणजे सगळे फेस्टिवल्स सुद्धा पाळतात. देर आर सिलेक्टेड डेट्स जे तुम्ही बंद ठेवतात रेस्टॉरंट, राईट? एकादशी. एकादशी आणि चतुर्थी. एकादशी आणि चतुर्थी. इफ यू गाईज आर थिंकिंग टू कम ऑन दॅट डे, दिस इज नॉट द प्लेस दॅट यू शूड कम. आय वुड रिअली लाईक टू थँक. धन्यवाद गौरवभाई, तुम्ही बसलात आमच्यासोबत आणि व्हिडिओमध्ये आमचं थोडे काही गोष्टी तुमचे जाणून घ्यायची एकदम प्रयत्न झाला आमचा. आय एम नॉट रिली शुअर इफ आय एम इन द फ्रेम गाईज. हार्डकोर नॉन व्हेजिटेरियन लवर, हार्डकोर कोथिंबीर के वडे. ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट बेस्ट वेज स्टार्टर दॅट आय हॅव हॅड. यू शुड रिली ट्राय. अमेझिंग. मेल्ट होता आहे. Alright guys, saying that, thank you so much jinhone pura video dekha. We'll call it a day and make sure that you like the video, you comment, give me your views. Aap log ko jo bhi lagta hai, you know, kya behtar ho sakta hai for the next video, make sure that you write that in the comment section.
subscribe to my YouTube channel, guys. Hit the bell icon as well, and see you in the next video. Thank you so much for staying. Bye bye.